एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद ओवैसी जी हमारे साथ मौजूद हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी। आपने तो पूरा विपक्ष को ही एक तरह से बेकार कर दिया है इस वक्त, बेदम कर दिया है। अब बिल आप संसद में फाड़ते हैं, सबसे जोर और प्रखर तरीके से आप सरकार पर हमला बोलते हैं, लेकिन देश में एक सवाल ये उठ रहा है कि आप कौन से मुस्लिमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हैं, या वाकई आप हिंदुस्तान में एक डर भय फैला रहे हैं मुस्लिमों में, जिसकी जरूरत ही नहीं। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं वो देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उन देश के अजीम आज़ादी के मुजाहिदीन को, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया और ऐसा संविधान बनाया जिसमें मजहब की कोई बुनियादी नहीं है, मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे क्या करना है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से? पर आपको क्या प्रॉब्लम है, किसी और मुस्लिम को क्या प्रॉब्लम है? ये तो जो 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 इन देशों से आए हुए हैं, जो नागरिकता की मांग आवेदन, उनको प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप मजहब की बुनियाद पर कानून बना रहे हैं जो आर्टिकल 14 और 21 का ग्रेव वायलेशन है। मुझे गुस्सा इस बात का है कि आसाम में जो 540,000 बंगाली हिंदू हैं, हेमंत तो बिस्व शर्मा कहता है कि उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी और केस चलेगा सिर्फ मुस्लिम जिनका नाम नहीं आया आसाम में। मुझे गम इस बात का है कि हमारे देश में हम दो सिटीजनशिप के कानून बना रहे हैं, एक पूरे मुल्क में रहेगा और एक शेड्यूल 6 और ILP के एरिया का रहेगा। मुझे गुस्सा इस बात का है कि आपने कश्मीर से स्पेशल प्रोविजन निकाल कर आप दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दे रहे हैं, जबकि आपने कहा था एक देश में एक कानून होगा, एक क्या क्या होगा। ये इनकी हिपोक्रेसी है और इसको मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज इसको आप CAB को NRC से देखना जरूरी है। NRC जब होगा, जब मुसलमान और नॉन मुस्लिम के नाम नहीं आएंगे, उन नॉन मुस्लिम को CAB के जरिए सिटीजनशिप मिलेगी और जो मुसलमान रहेंगे उनको डिटेंशन सेंटर्स में रहना पड़ेगा। और हम क्या बताएंगे, ये होगा मैडम, इसमें मैं कोई खौफ नहीं पैदा कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिए ना सर, स्टूडेंट्स की क्या हालत है, जामिया में देखिए किस तरह की हिंसा हुई है, किस तरह से बच्चे बिना समझे शायद बहुत ज्यादा। नहीं, जामिया की जो हिंसा हुई है वो पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस का हाई हैंडेड बिहेवियर है, मगर जो उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वो सही प्रोटेस्ट हुआ, बिल्कुल सही प्रोटेस्ट है। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज बनाई जा रही है, देश के संविधान को तब्दील किया जा रहा है, देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, तो प्रोटेस्ट करना तो बुनियादी हक है डेमोक्रेसी में, मगर उनको पीटते हैं, बच्चियों के हॉस्टल में जाके बच्चों को कॉलेज के अंदर से पथराव कर रहे थे। अरे झूठ है मैडम, क्या है इतने कहां से, जो लैब्रेरी बच्चे थे उसमें टीयर गैस, टॉयलेट में घुसकर मारते हैं, मस्जिद में घुसकर बेहरमती करते हैं, कितनी झूठ बोलेंगे लोग आज के जमाने में, तो झूठ ना बोले। अरे इतनी झूठ बोलते हैं दिल्ली पुलिस वाले कि नेटफ्लिक्स पर रख लीजिए, हिट फिल्म बना देंगे। लेकिन ये क्या जी, अमित शाह की ये कोशिश है कि इन तीन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको इल ट्रीट किया गया है, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जो फेस कर रहे हैं, उनको हम मदद दे रहे हैं, और ये ओवैसी जी को बुरा लग रहा है कि हिंदुओं ये सरकार करना चाहती है। हरगिज तकलीफ नहीं है, मुझे हरगिज तकलीफ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इतनी बड़ी काम करना चाहते हैं तो रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन कर लीजिए ना, आप कौन रोक रहा है आपको। आप ये भी नहीं बताते कि भैया कितना नंबर है आपके पास। मैं सिर्फ मुखालिफत इसलिए कर रहा हूं कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून बना रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए मैडम, श्रीलंका के टेमिलियंस वो हिंदू है ना, 10 लाख के करीब टेमिलियंस तमिलनाडु में पड़े हुए श्रीलंका, उनको नहीं देंगे आप? इस्लाम नहीं है ना उनका, स्टेट रिलीजन नहीं है ना इस्लाम। आपने अच्छा सवाल किया, श्रीलंका में 1978 के बाद बुद्धिज्म वहां का स्टेट रिलीजन हो गया, रिलीजन स्टेट रिलीजन हो गया वहां पे, और वही हिंदू तमिलनाडु श्रीलंका के तमिलनाडु में पड़े, उनको नहीं देंगे आप? म्यांमार भी तो वही है, वहां म्यांमार के क्रिश्चियंस को दीजिए, चलिए आपको इस्लाम और मुसलमान नफरत है, दीजिए ना उनको, क्यों नहीं देते आप? क्या कर रहे हैं हम लोग, किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं? लेकिन अगर ऐसी एक पहल बच्चों की तरफ से हो रही है तो आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हो वैसी जी? लोग आप संसद में तो बहुत अच्छा बोलते हैं, खूब यूट्यूब फेसबुक पर आपका मिलियन व्यूज होते हैं, सड़क पे बच्चे आ गए हैं। मैडम मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूं, हम भी सड़क पर, हमारे पार्टी के वर्कर्स सड़क पर हैं। एक आपको एक मिसाल देता हूं, लखनऊ में हमारे पार्टी के वर्कर्स ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, 200 लोगों पर सेडेशन का चार्ज लगा दिए, प्रोटेस्ट पर सेडेशन का चार्ज लगाएंगे 200 मेरे पार्टी के वर्कर्स पर सेडेशन का चार्ज लगा दिए। आप बोल रहे मैं रोड पर हूं, मैं मेरे पार्टी के लोग हैं, लखनऊ में 200 लड़कों पर सेडेशन का चार्ज, सरकार डरा। आप बोलिए प्रोटेस्ट करना सेडेशन है, क्या बताइए क्या करना चाह रहे, कौन दबाना चाह रहा है? बड़ी तस्वीर पर, क्योंकि लंबी चर्चा इस पे हुई है, बड़ी तस्वीर पर आ रही हूँ, क्या है इस देश का भविष्य? बीजेपी ये बात, मतलब अपने बलबूते उनके पास
प्रचंड बहुमत है, स्थिति अन्य पार्टियों की परिस्थिति देख रहे हैं, कोई दो पार्टी एक साथ बढ़ नहीं, क्या है मतलब बीजेपी वर्सेस AIMIM बन के अभी लड़ाई दिखती है ऐसे मुद्दों पर सड़क पे? मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, जब इंदिरा गांधी भी रूल करती थी तो यही सवाल होता था, मगर इंदिरा गांधी को हारना पड़ा, मोदी भी हारेंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसा नहीं है कि पावर इटर्नल नहीं होता, जो ऊपर जाता है नीचे आना जरूरी है, उसको यकीनन हमको 24 तक मेहनत करना है, इनके तमाम इस तरह की गलतियों को मुकाबला करना है, कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना है। और मुझे यकीन है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत नहीं है, देश की जनता जब फैसला करेगी ना, हर पॉलिटिकल पार्टी को हटाएगी, बशमूल बीजेपी और मोदी को भी। सर आपने अभी कहा इंशाल्लाह, इसका मतलब क्या होता है? इंशाल्लाह माने होगा, ये तब्दीली आएगी, अल्लाह चाहेंगे, यकीनन अल्लाह ही चाहता है ना, भगवान कोई गुस्सा है। आप यकीनन बोलिए, आप जय श्री राम बोलिए, मैं अल्लाह बोलूंगा, मगर मुझे मजबूर मत करिए, आप बोलिए, मैं आपके राइट को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि आपका राइट है वो, मैं यकीनन आपके साथ ठहरूंगा, आप बोलिए, मुझे मैं कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज उस वक्त होता है जब आप फोर्स करते हैं, तुमको ही बोलना पड़ेगा, मैं बोला नहीं बोलूंगा मैं ये बात, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी के ऊपर। लेकिन एक्शन का सिर्फ रिएक्शन होकर नहीं रह जा रहा है पूरा मामला, कि ये आप भी तरफ से बोलते हैं? देखिए मैं, मेरी रिएक्शन इसलिए होता है कि आप फोर्स मत करिए, आप जो बोलना है बोलिए ना। आजादी की लड़ाई में जय हिंद भी लगाया गया था, आजादी की लड़ाई में कई नारे लगाए गए थे, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मगर जहां पर बीजेपी RSS कहती नहीं हम फोर्स करेंगे, तुमको बोलना पड़ेगा, क्यों बोलेंगे? संविधान तो मुझे इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, मैं क्यों बोलूंगा? एक दो मैं नॉन पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, मैं तो हैदराबाद बहुत करीब आपको देखा है, आपकी पॉलिटिक्स को देखा है, आपके तौर तरीकों को देखा है। लोग कहते हैं कि आप बहुत टाइम लगाते हैं, पढ़ते हैं तर्क और दलील, आज भी जब यहाँ आए तो आधे एक घंटे से आप पढ़ ही रहे थे कि कौन सी दलीलों के साथ मुझे वहां पर बात रखें। नहीं बिल्कुल पढ़ना चाहिए ना, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसा जवाब देंगे? देश देख रहा है, आज तक इतना फेमस चैनल है और आप इतने फेमस एंकर हैं, अगर आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो फिर फायदा क्या है भाई? अगर मैं जा रहा हूं तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, आप एक सब्जेक्ट मुझे 15 दिन पहले बोल चुके हैं तो मुझे तो सोच कर आना पड़ेगा। यही कमी है कि वहां पर तर्क नहीं दे पाए जिससे वो मोदी को काउंटर कर सके। नहीं ना सिर्फ वो, बल्कि उनमें एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी बाज लोगों में नहीं है, वो अल्फाज चाप चाप कर बोलते हैं, कभी आधा आगे बढ़ते हैं आधा पीछे हटते हैं, नहीं चलेगा भाई। आप मुकाबला करना है, खुल के करिए ना मुकाबला, क्यों आधी लड़ाई लड़ते हैं? आधी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, पूरी लड़ रहे हैं? कोशिश कर रहा हूं मैं, कोशिश। आपको नहीं डरते मोदी से, क्यों नहीं डरते? क्यों डरूं मैं, संविधान सबके लिए है। देखिए जब आप समंदर में कूद जाते ना तो गहराई से शिकवा क्यों? समंदर में तूफान भी आएगा, सब होगा, छोड़िए, जब कूद गए हैं तो जाहिर है मुझ में काबिलियत होगी तो मैं साहिल तक पहुंचूंगा, नहीं है तो फिर मैं डूब जाऊंगा, उसमें कोई बात नहीं, मगर कोशिश तो करना मेरा काम है। कल के दिन मेरे मरने के बाद कोई ये तो ना कहे कि भाई इस 2019 में जामे मिलिया में मुल्क में सा कानून बना और ऐसी खामोश था, कम से कम वो तो कोई नहीं कहेगा ना, अरे नहीं इसने कुछ बोला था, इतना तो याद रखेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैसी जी, हमसे बातचीत करने के लिए।